एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक गार्डनर के लिए फरवरी का मंथ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हमें फरवरी के मंथ में क्या क्या काम कर लेने चाहिए, आज मैं वही शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग के माध्यम से। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था जो अक्टूबर के टाइम पे था, जिसमें अक्टूबर के समय में हमें क्या क्या काम करने चाहिए ये बताया था। और आज है फरवरी, तो दोस्तों मैंने उस समय ये भी बताया था कि साल में 2 महीने ऐसे होते हैं जब हमें अपने सभी पौधों को कंपोस्टिंग करना चाहिए और जो भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम है वो हमें इन्हीं महीनों में कर लेने चाहिए, जिससे कि वो आने वाले मौसम के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, डॉर्मेंसी के समय में हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और उनकी पत्तियां सूखने लग जाती हैं, तो इस मौसम में हमको अपने उन पौधों को अच्छे से कंपोस्ट करना है और उनको आने वाले मौसम के लिए तैयार करना है। तो जिसके लिए हमारी जो भी सूखी पत्तियां हैं उन सबको हम हटा देंगे, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं और जो भी हम उनको न्यूट्रिशन देंगे वो हमारे मेन पौधे को पहुंचे। ये नहीं कि सूखी पत्तियों में जाता रहे और हमारा पौधा ख़राब होता रहे। तो ये बेल पत्ती का पौधा है जो कि अभी डॉर्मेंसी में, यानी कि सर्दियों में, ये सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो सर्दियों में हमारा ये पौधा देखिए किस तरीके से सूख गया है, तो इसको अब हम बिल्कुल नया जीवन देंगे। और ये वही महीना है जिसमें हमें अपने पौधों के लिए ये सब काम करने चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने पौधों को प्रूनिंग करनी चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग हम इसी समय पे करेंगे जिससे कि नई ग्रोथ आए, और रोज़ प्लांट में स्पेशली हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए। ये देखिए, ये मोगरा का पौधा है और इसकी भी हमको इस समय कटिंग प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, मैंने मोगरा प्लांट पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया है। तो साल में वो कौन सा महीना है, जी हाँ, यही महीना है जिसमें आपको अपने प्लांट को पूरी तरीके से नया बना लेना है। यानी कि अगर आपको गमला चेंज करना है, क्योंकि इसमें रूट बॉन्ड बहुत जल्दी हो जाता है, तो साल में एक बार या 2 साल में एक बार ज़रूर इसके गमले को चेंज करना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो सूखी भी टहनियाँ हैं इनको हमें कटिंग कर लेनी चाहिए, और अगर आप इसे हार्ड प्रून करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आपके पौधे की कंडीशन है आप उस हिसाब से काम कर लीजिए। और साथ ही साथ इसको हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है इस समय। इसकी डिटेल वीडियो के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें जाके देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं और हमें कैसे करनी चाहिए। तो मोगरा के प्लांट को भी इस समय पर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ हैवी फर्टिलाइज़र इसको दिया जाना चाहिए। तो जो लोग बहुत समय से ये सोच के परेशान हैं कि उनके मोगरा का प्लांट उनके पास बहुत सालों से है लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं, तो यही वो समय है जब आपको पूरी तरीके से इसको बिल्कुल नया जीवन देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और गर्मियों भर बहुत ही खुशबूदार फूलों का आनंद लेना चाहिए। साथ ही साथ गुड़हल के पौधों की भी कटिंग इसी समय पे की जानी चाहिए, और कटिंग के बाद आप इनकी कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं कटिंग्स आप कर, क्योंकि सारे पौधों को आप जब कट करेंगे उनकी कटिंग्स जो होगी आप उन्हें कटिंग्स भी लगा सकते हैं और नए पौधे को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मौसम गर्म हो जाएगा तब हम ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही वो समय है जब आप कटिंग से भी अपने पौधे तैयार कर सकते हैं, सीडलिंग लगा सकते हैं और अपने पौधों को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसी मौसम में हमारे गमले अगर छोटे हो गए हैं और उन्हें हमें बड़े गमलों में लगाना है तो हम इसी मौसम में उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, ये रूट बॉन्ड हो चुका है, इसमें काफ़ी सारी जड़ें गिर गई हैं जिसकी वजह से पौधा आगे सर्वाइव नहीं करेगा, जिसके लिए हमको इसे बड़े गमले में लगाना होगा। तो यही वो मौसम है जब हमें ये काम भी कर लेना है, तो आप रिपोर्टिंग के लिए भी इस मौसम को चुन सकते हैं और एक बड़े गमले में इसको लगा सकते हैं। डॉर्मेंसी पीरियड में बहुत सारे इंसेक्ट अटैक भी होते हैं जिनको हमें इस समय पे पेस्टिसाइड भी हमको अपने पौधों को देना चाहिए, और जो भी रोकथाम हम कर सकते हैं वो इस समय पे हमें करनी चाहिए। तो जो भी आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं तो इस समय उसका निवारण किया जा सकता है। और इसका निवारण इस समय करने से क्या होगा कि आपको आगे आने वाले मौसम में आपका पौधा हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। इस मौसम में बहुत सारे प्लांट में नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और इस ग्रोथ को आपको हेल्दी ग्रोथ में बदलने के लिए बहुत अच्छी तरीके से इनको कंपोस्टिंग देना होगा और बहुत
अच्छी तरीके से इन्हें फर्टिलाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही वो मौसम है जब आपको अपने सारे प्लांट्स को कंपोस्टिंग का रूट यही है कि इस समय पे आप क्रोटन, एवरग्रीन या फ्रूट्स प्लांट जो भी आपके पास हैं उन सभी में आपको फर्टिलाइजर देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी जिससे कि हम उस समय पे लिक्विड फर्टिलाइजर ही दे पाएंगे। हम सॉलिड फर्टिलाइजर देने का मतलब ये समझ लीजिए कि यही समय है और इस समय पे आपको सॉलिड फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से देना चाहिए। दोस्तों इसी मौसम में आपको अपनी मिट्टी को भी सोलराइज कर लेना चाहिए, जो भी मिट्टी आपकी ख़राब हो रही है, क्योंकि सर्दियों में पाले की वजह से आपकी जो मिट्टी ख़राब हो गई थी आप उसको पलट लीजिए और उसको सोलराइज कर लीजिए, जिससे कि आपकी मिट्टी फिर से ताकतवर हो जाएगी, उसमें एनर्जी आ जाएगी। इस मिट्टी को अच्छी तरीके से सुखाने के बाद ये जब सोलराइज हो जाएगी तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आप इसमें कंपोस्ट वगैरह मिला के अपने गमलों में भर सकते हैं और जब भी आपको कोई पौधा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो ये सारी मिट्टी देखिए मैंने सारे गमलों को खाली कर दिया, जो जो मुझे चेंज करने थे वो सब मैंने खाली कर दिए और अब मैं जो है इसमें सोलराइज करने के बाद अपने ये देखिए मेरे सारे गमले भी मैंने रेडी कर लिए हैं खाली करके, इनको भी मैं धूप दिखा दूंगी अच्छे तरीके से और इसमें हम फिर से मिट्टी को भर लेंगे। इसी मौसम में हमको सीडलिंग भी कर लेनी चाहिए, आप नए नए सीड्स भी लगा सकते हैं क्योंकि ये ग्रोइंग सीजन है और इस समय पे आप नए नए बीज भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको 15-20 दिन के अंदर ही अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी और आप अपने प्लांट्स को फिर दूसरे गमलों में सेपरेट कर सकते हैं और पूरी गर्मियों भर आनंद ले सकते हैं। ये अपराजिता के सीड्स हैं और ये मैंने अभी डाले हैं इसमें और ये मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर ही ये जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर आप गर्मियों भर इनका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम देर में लगाते हैं तो फिर देर से वो पौधे बनते हैं और देर से फूल बनते हैं आते हैं उसमें, तो उसका मज़ा हम बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते। तो इसलिए फरवरी का जो ये ग्रोइंग सीजन है इस समय ही आपको अपने सीड्स भी ग्रो कर लेने चाहिए। और दोस्तों जो हमने सीड्स ग्रो किए हैं उनके जो प्लांट हमारे रेडी हो गए हैं उनको भी अब सेपरेट करने का यही टाइम है। तो ये मेरे शिमला मिर्च के पौधे हैं जो कि मैंने शिमला मिर्च से ही अपने घर के जो यूज़ करने के लिए हम लेते हैं, इसमें लाल और पीली शिमला मिर्च के बीज हैं जिन्हें थोड़ा सा बड़ा होने पे फिर मैं सेपरेट कर दूंगी। तो ये देखिए जो हमने बीज ग्रो किए थे उनके भी सेपरेशन का टाइम ये फरवरी का टाइम है और ये भी हमें इसी समय करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये ड्रैगन फ्रूट के सीड्स मैंने डाले थे और इसके भी पौधे तैयार हो चुके हैं और ये काफ़ी इसमें धूप चाहिए होती है, काफ़ी गर्मी में अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। ये थोड़ा थोड़ा सैक्यूलेंट बेस्ड प्लांट होता है इसलिए जो इसकी नीड है वो भी सैक्यूलेंट की तरह होती है। तो ये भी मेरे पौधे तैयार हो चुके हैं, इनको भी मैं अभी इसी समय पर इसी महीने में ट्रांसप्लांट करूँगी। तो जो भी पौधे आपके तैयार हो चुके हैं आप उनको भी सेपरेट कर लीजिए और नए सीड्स अगर आपको ग्रो करने हैं तो वो भी आप कर लीजिए, साथ ही साथ कटिंग्स, पिंचिंग, प्रूनिंग ये सब तो आपको करना ही है। साथ ही साथ आपके जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में आप कंपोस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि यही है वो महीना जिसमें आपको अपने सभी प्लांट्स में कंपोस्टिंग कर लेनी चाहिए। और इस समय जब आप कंपोस्टिंग कर लेंगे तो इनकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी कि गर्मियों में भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, जैसे कि हमारे पौधे सर्दियों में सर्वाइव कर पाए क्योंकि हमने ठीक मौसम बदलने से पहले उनको कंपोस्टिंग कर दी थी। और अब ये मौसम हमारा बदल रहा है, गर्मी की तरफ जा रहा है, इसलिए अब हम इस मौसम में भी अपने पौधों को अच्छी तरीके से कंपोस्टिंग करेंगे और हमारे पौधे खूबसूरत और प्यारे दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर गर्मियों में आप अपने पौधों का आनंद लेना चाहते हैं तो गार्डन लवर्स के लिए ये महीना किसी वरदान से कम नहीं है। तो बिल्कुल आपको अपने सभी पौधों को कंपोस्टिंग करनी है और इस वीडियो में बताए गए जितने भी काम हैं वो सब आप इस समय कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको अपने पौधों की बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सही समय पर सही काम करते हैं तो उसके रिजल्ट भी हमें अच्छे और सही समय पर मिलते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन ही आपको बताता है कि जब भी हमें नई वीडियो डालती है तो वही आपको बताता है कि नई वीडियो आ गई है। तो ज़रूर बेल आइकन दबाइए, देखते रहिए, जुड़े रहिए ग्रीन ऑक्सीजन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।